जानी थाना क्षेत्र के कुराली गांव स्थित झारखंडी शिव मंदिर में एक हफ्ते पहले बदमाशों द्वारा पुजारी को बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी, लेकिन घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस घटना का राजफाश कर पाई है और ना ही आरोपियों को पकड़ पाई है, जिसके विरोध में दर्जनों ग्रामीण सिवाल चौकी पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि लूट की घटना को पुलिस ने चोरी में दर्ज कर घटना को दबाने का प्रयास किया, जबकि बदमाशों की पहचान होने के बावजूद भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही है। वहीं हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत करते हुए चौकी प्रभारी विजय चौहान ने जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तो गांव कुराली से है, थाना जानी जनपद मेरठ है। हमारे यहाँ पर एक झारखंडी महादेव के नाम से एक मंदिर है जिसमें प्राकृतिक शिवलिंग, अभी क्योंकि कांवड़ मेला चल रहा था तो शिवरात्रि के दौरान वहाँ पर सजावट की गई थी और उसमें हमारे घंटे और चीज बस जो सोने चांदी की चीज़ होती है वो सब लगाई गई थी वहाँ पर। तो अभी क्या तारीख की घटना है, 12 तारीख को रात को 4-5 बदमाश मंदिर के अंदर घुसे और उन्होंने हमारे वहाँ रह रहे पुजारी को बंधक बना लिया और उनके हाथ पैर बांध के उनकी पिटाई की और वहां से टोटल सामान उनके सामने लूट करके ले गए। इस घटना के संबंध में हमने थाना जानी को प्रार्थना पत्र दिया है। अभी हम आज उसके डिमांड लेकर आए थे कि इसको केस को जल्दी जल्दी खोला जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए और हमारा मंदिर का जो सामान लूटा गया है उसको हमें दिलाया जाए। आज एक शिवाल चौकी थाना जानी की है, हमारी रिपोर्टिंग चौकी है, हम यहाँ पर सभी गाँव के लोग यहाँ पर इसलिए आए।